राम राम किसान साथियों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और अपनी हरियाणा जैविक किसान यात्रा के दौरान मैं अब यात्रा समाप्त कर रहा हूं और कल रात रुक गया था गुरुजी शमशेर जी के साथ में और सुबह हम आए हैं अपने खेतों का निरीक्षण करने। गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे अपना जैविक खेत, साथ ही साथ एक और वीडियो हमने बनानी है इस खेत की। ये नई वेराइटी गुरुजी ने गेहूँ की लगाई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो आपको मिलेगी और इस बीज की पूरी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे। अभी हम खड़े हैं अपने, ये जो खेत हैं गुरुजी के, ये संतुलित खेत हैं। दो किल्ले यहाँ पर गुरुजी संतुलित करते हैं और एक किल्ला पूर्ण जैविक तरीके से करते हैं। और संतुलित भी ऐसा करते हैं कि लोग 2 कट्टे DAP, 6 कट्टे यूरिया डालते हैं, ये केवल 1-2 मैक्सिमम अप टू 2.5 कट्टे यूरिया केवल में अपने गेहूं कर लेते हैं और ये गेहूं भी 20-22 क्विंटल से कम का नहीं खड़ा हुआ है। फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए जीवामृत, बायोगैस की सिलरी, ये सारी चीज़ें ये डालते हैं। आज की इस वीडियो का जो रुचिकर विषय है वो ये है, ये भाई आप इस बरसीम का कलर देखिए, कलर देखिए। और आज तारीख है 11 अप्रैल, हो सकता है ये वीडियो आपको 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद मिले। आज की तिथि है 11 अप्रैल और मेरे क्षेत्र में भी बहुत बरसीम होती है। मेरे क्षेत्र में बरसीम के सारे खेत खत्म हो गए। आसपास भी मैं कल देखता हुआ आया तो चारे की फसलें लगभग समाप्त हो गई हैं। तो गुरुजी क्या शानदार चारे का क्या राज है, थोड़ा सा मुझे बताइए। पहले तो आपका स्वागत है, प्रणाम सभी दर्शकों को। एक छोटा सा परिचय आपका जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए। मेरा नाम शमशेर सिंह, गांव आट्टा, जिला पानीपत और हरियाणा में। जी बहुत बढ़िया। गुरुजी पेशे से सरकारी अध्यापक हैं, उसके बावजूद सुबह शाम का समय निकाल कर और ये अपने खेतों में जैविक खेती करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत सारे साथियों को जैविक खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। अब बताओ जी इसका क्या कारण है, ये इतनी क्यों तो इसमें हरियाली है, या ये मेरी बात गलत है कि ज़्यादातर चारे सूख लिए हैं आपके गांव में अभी, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे चारा हरा रहता है? नहीं भैया, मैंने पहले भी बताई थी आपको, कई बार आपकी मेरी चर्चा हो जाती है। सारा रोला बीज का ठीक है। अच्छा, मेरे गाँव में पिछले 4-5 साल पहले किसी बंदे ने गाँव में मुनादी करवाई, मेरे पास बरसीम का बीज है, हमने भी ले लिया। वही किसान है, अपना मित्र है, इसी का भला जब क्यों बाजार में जाना होया। हाँ। तो हमने ले लिया तो बहुत अच्छा बीज रहा। ठीक है जी। जैसे आपने पिछले साल देखा था वो, मैं आपको बताऊं, ऐसे अप्रैल है, मई तक भी चला था वो, बहुत शानदार। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे थे क्या इसमें काम चलाएगा जवार? हाँ। नहीं बोनी के। हाँ। मैंने कहा जवार बो रखी है, मैंने जवार मेरी तैयार होगी तो मैंने इसको ट्रैक्टर से जमीन में मल्च करा दिया, ताकि अब बहुत ले लिया, अब छोड़ दो। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो बीज की बात, तो चलो ये है, बीज का काम हो गया, जमाओ का। हाँ। इसकी पोषण पूर्ति कैसे कर रहे हो आप और इसकी सुरक्षा कैसे कर रहे हो? पोषण पूर्ति भैया जी, गोबर गैस सिलरी है। हाँ। और अपनी खट्टी लस्सी छाछ जी वो ऊपर रखी हुई है। ठीक है। और नीम का तेल, इससे ये अच्छे से मैनेज काम चल जाता है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। और इसको कितने दिन हो गए आपको बोए हुए इस फसल को? इस खेत में 15-09 की वैरायटी के धान थे इसमें, यानी कि वो ये लगा लो आप सितंबर में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती है, तो ये लगा लो मैंने 15 अक्टूबर के आसपास मैंने इसकी बरसिंग भी बिजाई कर दी। कितनी बार काट चुके हैं हम इस खेत को भाई? ये तो क्या बताएं, कम से कम 6-7 काट तो जा चुकी होंगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको इतना अच्छा चारा तैयार करने के लिए। और इसके बारे में बताओ जी, जैसे आपने लास्ट ईयर भी स्वीट कॉर्न की खेती करी थी और बहुत सारे साथियों को बहुत अच्छा आपने उपलब्ध भी कराया था जी, तो ये स्वीट कॉर्न वही अमेरिकन स्वीट कॉर्न है? हाँ जी, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जो भुट्टे को उबाल के खाया जाता है। हाँ, लोग तो इसको ऐसे करते हैं, भुट्टे को उबाल के पानी के अंदर खा लेते हैं, उसके दाने निकाल के मसाला वगैरह डाल के खा लेते हैं। अच्छा जी। लेकिन मैंने जो देखा है पिछली बार, हमने इसको कच्चा भी खाया। अच्छा जी। हमने इसको पका के भी खाया। हाँ। और हमने इसको उबाल के भी खाया। ठीक है जी। तीनों में अलग अलग बिल्कुल सब में मजा आया। क्यों मजा आया वो मैं बता देता हूँ आपको साथियों, क्योंकि ये जैविक खेत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो है किसी तरह का कोई केमिकल हानिकारक रसायन कोई प्रयोग नहीं करते। ये हाल तो हाल बुआई में भी किसी भी तरह का कोई भी, मतलब 3.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ जी, 3.5 साल हो गए, 3.5 साल, 3+ हो गए मैं देख रहा हूँ लगातार। इसमें कितना ही प्रोडक्शन गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्शन भी संभाल रहे आ रहे हैं और 2-3 सालों में प्रभाव भी आया, खेत की मिट्टी में भी कुछ बदलाव आया है। बिल्कुल आया जी। तो इस खेत में जी वैसे नॉर्मली आप क्या क्या डालते हैं इसमें? देखो जी, आपको अंदर दिखा दूंगा मैं। हाँ। मैंने इसको गंजवा भी बनाता हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा, वहाँ पर घर से 2 लीटर के ड्राम है। हाँ। दो उनको रखता हूँ, मैं गोबर गैस की सलरी लेके आता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अपनी लस्सी है। हाँ जी। और वैसे कई बार ताजी लस्सी का स्प्रे कर देते हैं। हाँ। और जब जैसे बीमारी वगैरह आते हैं तो खट्टी लस्सी बना रखी है, उसका उपयोग कर लेते हैं जी। वो अपना गौमूत्र है और जीवामृत का स्प्रे भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये इसके बारे में बताइए कि पहली चीज़ तो ये कि इतनी गर्मी पड़ रही है,
ना तो इसमें किसी तरह की हमें स्ट्रेस दिखाई दे रही है पौधे में, साथ ही साथ ना इसमें किसी तरह का अभी तक हमें कोई कीट दिखाई दिया है जी। पौधा एकदम स्वस्थ है, ठीक है, नीचे से मोटा तना लेके आ रहा है। तो ये आपने कब लगाया है, किस तरह से लगाया है, बेड पे क्यों लगाया है, ये पूरी जानकारी दीजिए। 15 दिन के आसपास की ये फसल होगी मेरी। अच्छा जी, बीज लगाने के बाद। हाँ। अच्छा गुरु जी, जैसे जब बेड बनाए हैं, सरसों काटने के बाद कोई किसी तरह का पोषण आपने इसमें दिया है, किस तरह से? अभी केवल बेड बना के ऐसे ही जैसे सरसों निकली, सरसों वाला तुड़ी ले गया, हम अपनी सरसों घर ले आए। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी बुआई की, बुआई करने के बाद खुद निकलवाए और बीज लगा दिया। फिलहाल तो ये पोजीशन है, इसके अंदर कोई पोषण नहीं गया अभी तक। और जो हमने पानी दिया है वो नॉर्मल पानी ऐसे दिया था कि इसमें गर्मी के कारण जुलस ना जाए पौधा, और कोई किसी तरह का स्प्रे किया हो नहीं, मुझे कुछ जरूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब जैसे गेहूं में लगे हुए हैं, गेहूं से फ्री होने के बाद हम इसको देखेंगे, तब इसको देखेंगे। भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई जी, जैसे जिस हिसाब से आपने इसको अभी तक कोई पोषण नहीं दिया है, बहुत अच्छी मक्का आपकी खड़ी हुई है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा इसके लिए कि अच्छी ये होके जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब तक तो नहीं दिया, अब क्या क्या देंगे आगे इसमें? अच्छा, मेरे पास सबसे जरूरी जो मैं अपनी ताकत मानता हूँ मेरा गोबर गैस सिलरी। बहुत बढ़िया जी, उसके बगैर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जो मैंने गोबर गैस सिलरी आज से 6 साल पहले लगाई थी, उसी मकसद से लगाई थी। मुझे गैस मिले या ना मिले, लेकिन मुझे खाद जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरे पास होगा जितना भी गोबर होता है, हम उसके अंदर डालते हैं। हाँ। गैस तो घर पे यूज होते हैं, गोबर मैं लेके आता हूँ इसका। बहुत बढ़िया जी, मैं ड्रामों में लेके आता हूँ। हाँ। टेबल के वहाँ पे नाले के अंदर लगाता हूँ और इसके अंदर बुआई कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, जैसे अब थोड़ा फ्री हो जाएंगे, आज या कल मशीन मेरे गेहूँ कम्प्लीट हो जाएगा काम, फिर मेरा कुछ काम नहीं रहेगा तो मैं यही काम करूँगा, इसी में लगेंगे गोबर गैस सलरी देंगे हर पानी के साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, और फिर उसके साथ जीवामृत और वेस्ट डिकोम्पोजर भी चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे पिछले साल भी आपने दिल्ली में कई सारे साथियों को ये स्वीट कॉर्न पहुंचाई थी, बिल्कुल, तो इस साल भी इस तरह का विचार है भैया जी? जैसे डिमांड के ऊपर खेल है। ठीक है, अगर जो मेरे साथी जिनको खाया था पसंद आया, कुछ का तो उसी टाइम फीडबैक आया था, हमने ऐसा खाया नहीं। ठीक है भैया, मैंने पिछली बार जिन साथियों को भेजा था तो उनके कुछ तो तभी फीडबैक आ गए थे, उन्होंने बार बार भी डिमांड की भैया और दे और दे। मैंने कहा भैया 7 से 10 दिन की फसल है, मैं नहीं ज़्यादा पहुँचा पाया, तो उस कमी में उन्होंने क्या किया, फिर बाजार से लेकर खाना पड़ा। हाँ। जिनको अच्छा लगे वो तो खाएंगे, जिसका और बच्चों ने स्वीट कॉर्न खा लिया तो और मांग रहे हैं, तो बार बार डिमांड कर रहे हैं भाई। और जी गुरु जी, फ़ोन गर्म हो गया था इस वजह से वो बंद हो गया, ये गोप्रो बंद हो गया, फ़ोन खोल लिया है। हाँ, तो आप ये बता रहे थे कि उन्होंने बाजार से लिया, फिर तो कुछ साथियों ने फिर बाद में जब डिमांड बनी तो बाजार से लिया। हाँ, तो उनको बाद में फोन आया मेरे पास, बोल रहे यार बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। अच्छा, जो बच्चे दो दो तीन तीन डेली खा जाते थे। हाँ, एक टाइम में। हाँ, अब वो एक भी पूरा नहीं खा पा रहे हैं, यानी कि एक पूरे बट्टे को 4 बंदे खा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बाजार में जो जा रहा जहर वाला जो जा रहा, कोराजन लगा जा रहा है भैया, इसमें ऐसे सुंडी लगती है, अमेरिकन सुंडी है, वो बिल्कुल फसल खराब देती है। हाँ। तो लोग उसके लिए कोराजन टाइप का जो जा रहा है वो भी कम पड़ जाता है। अच्छा, उसकी भी मात्रा कोई कोई मतलब 3-3, 4-4 स्प्रे कर देती है उसकी। हाँ। मतलब आपके ग्राहक ने बता दिया आपको कि भाई वास्तव में अपना पहली बात तो जैविक था, दूसरी बात अपना मीठा था, बिल्कुल था। क्योंकि वैरायटी तो बीज तो सारा वही है, वही बीज मेरा है, वही बीज बराबर वाले का है। हाँ। क्योंकि यही बीज बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि भाई आप दिल्ली NCR वगैरह अगर डिमांड आती है, अगर साथियों अगर प्रॉपर डिमांड आती है, मतलब अगर 100 किलो का ऑर्डर बनता है तो दिल्ली का चक्कर मारना ठीक है, 8-10 परिवार मिलकर 5-5, 10-10 किलो करके 100-150 किलो का ऑर्डर दें तो किसान अब तक आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस परिस्थिति में अगर कोई दिल्ली का NCR का साथी ये वीडियो देख रहा है, वो आपसे स्वीट कॉर्न चाहता है, ये कब अवेलेबल होगी और कब हम इसकी बुकिंग कर पाएंगे? तो भैया ये मान के चलो आप, मैंने इसको अप्रैल के स्टार्टिंग ही लगा लो इसकी। हाँ जी, अप्रैल के स्टार्टिंग, 3 महीने की फसल है, 90 दिन की फसल। ठीक है जी, तो ये मान के चलो जब 2 महीने कम्प्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम इसकी बुकिंग लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 20 मई के बाद और जून में ये चलेगी। बहुत जून तक ये लास्ट तक चलेगी। हाँ। तो मैं जैसे जून स्टार्ट होगा उसके बाद इनके फोटो वगैरह वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया पे भेज दूंगा, आपके पास भी भेज दूंगा। हाँ। तो देख, बंदे को देखते ही पता लग जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है जी, उसके बाद हम ऑर्डर भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्डर करने के लिए आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, आपका कोई फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 70-823-07-1000, इसी पे कॉलिंग भी और व्हाट्सएप भी। साथियों वीडियो नंबर ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा, आप गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अच्छी स्वीट कॉर्न खाने को चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बनाते हुए, गोप्रो को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी वो गर्मी इतनी हो रही है, अभी लगभग 10 बज रहे होंगे और तापमान 40 को छूने वाला है, इसलिए वो बेचारा शांत हो गया, तो मोबाइल जो है पुराना खिलाड़ी वही झटका झेल रहा है। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जहाँ पे उपभोक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, एक अच्छा जैविक भोजन उनको खाने को मिले और अवेलेबल हो, यहाँ पे भी आके ले जा सकते हैं, ये अट्टा गाँव है,
है समालका के पास पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, इनके पास आ सकते हैं। एड्रेस भी पूरा डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। वो जाहिर सी बात है कि घर पे मंगाने के लिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि किसान पूरा दिन लेके अपने घर से निकले, अपने डीजल का खर्चा निकाल पाए और आप तक प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाए। तो जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनानी है इसकी, गेहूँ की वीडियो बनानी है और गेहूँ के बीज की भी बात करनी है। साथ ही साथ इस बार, पिछली बार 1692 का बीज बहुत अच्छा धान का गुरुजी ने किया था। अगली वीडियो दो नए बीज आए हैं पूसा से, वो भी हमें थोड़े थोड़े बीज मिले हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनके बीजों की क्या उपलब्धता रहेगी। अब गुरुजी का फोकस हम इसी पे बना रहे हैं कि जैविक किला करें, साथ ही साथ जो दूसरे किले हैं उनको संतुलित करके बीज उत्पादन करें, किसानों को अच्छे बीज मिले, तो जो शमशेर जी किसान हैं उनको भी अच्छा भाव मिल जाए अपने बीज का बेच के, और किसानों को भी बाजार के जो बाजार में 100-100 रुपए किलो जो पिछले साल गेहूं के बीज बिके हैं वो 50-60 रुपए में अवेलेबल हो जाएं किसानों को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।